सो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश्च, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जितनी उपाधियां हैं, जितने आपके कर्तव्य हैं तथाकथित, उन सबको त्याग के आप एकांतिक शरण ले लो मेरी। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, माँ शुचा घबराओ मत। भगवान कहते हैं कि आप घबराओ मत, क्यों नहीं घबराओ, योग क्षेम वहामियम, जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है मैं वो प्रदान करूंगा। लेकिन ये होगा कैसे, कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, कैसे होगा सारे धर्मों को छोड़कर कैसे भगवान के शरण लेते हैं, कैसे अपने घर में रह के, कैसे संसार में रह के भगवान की भक्ति करनी है, कैसे पता चलेगा। ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण खुद ही अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और अपने सांगो पांगास्त्र पार्षदम और अपने सभी पार्षदों के साथ में भगवान यहाँ पर कलयुग में वापस अवतीर्ण हो गए। ज्यादा टाइम नहीं बीता था भगवान को गए, अभी तो गए हैं भगवान, द्वापर युग के अंत तक तो यहीं पर थे, अभी तो गए थे भगवान 5000 साल पहले, भगवान वापस 4500 साल के अंदर ही वापस भगवान अवतीर्ण हो गए। चैतन्य महाप्रभु सन 1496 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नवदीप मायापुर धाम में, और नित्यानंद प्रभु उनसे कुछ वर्ष पहले प्रकट हुए थे, कौन सा पता है आपको यार, ओके फाइन। सो वो प्रकट हुए थे बंगाल के वीरभूम जिले के अंदर, तारापीठ काफ़ी मशहूर है, उसके निकट ही एक चक्र ग्राम है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन जई शचि शुद्ध हैलो सही, कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही शची शुद्ध अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम शची माता और उनके पिता का नाम जगदीश मिश्र है। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन जय शची शुद्ध होइलो सही, कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही आ गए शची शुद्ध माता शची के पुत्र के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिनको हम गौर के नाम से भी बुलाते हैं। गौर के नाम से क्यों बुलाते हैं, त्वचा त्विषा अकृष्णम, क्योंकि भगवान के, भगवान कृष्ण वैसे तो घनश्याम रंग के हैं, लेकिन जब महाप्रभु आए कलयुग में तो कृष्ण वर्णम, वो भगवान कृष्ण का वर्णन तो कर रहे थे, खुद ही भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनकी जो त्वचा है वो अकृष्ण, वो सुनहरे रंग की है, गौर वर्ण की है, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को प्रेम से गौर के नाम से भी बुलाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय शची शुद्ध होलो सही बलराम हैला निताई, और जो बलराम जी हैं वो निताई अर्थात नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। क्यों आए दीनहीन जत छिला हरि नाम उधारी लो, हरि नाम दे के दीनहीन जितने भी दीन गरीब दुखी लोग जो हैं, जो इस संसार के अंदर मनाशिष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, जो मन समय छह इंद्रियों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में रहने का, उनके कल्याणार्थ, उनके कल्याण के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में कृष्ण और बलराम अवतीर्ण हो गए। तो क्या प्रमाण है इसका, क्या प्रमाण है कि वो दीनहीनों का उद्धार करने के लिए आए थे, कि वो पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे। तार साक्षी जगाई मधाई, इसके जो साक्षी हैं वो जगाई और मधाई हैं। जगाई मधाई बेसिकली बहुत बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दयी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ था लेकिन
ब्रह्म बंधु थे बेसिकली, कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन ब्राह्मण की कुछ गुण नहीं है, योग्यता नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में बोला, भगवद गीता में बोला है, जैसे एक जज का पुत्र जज नहीं होता, उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी उसको। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, हालांकि लोग गांवों में छोटे शहरों में डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, कहते नहीं कहते वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर ने से कोई दवाई नहीं लेता दवाई डॉक्टर से ही लेते हैं नहीं। सो जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक वो गुण, वो विद्या वो हासिल नहीं कर रहे। जैसे एक जज का बेटा जज नहीं हो सकता जब तक वो गुण हासिल नहीं करेगा, वैसे ही एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, उसको ब्राह्मणोचित गुण उसको लेने पड़ते हैं, उसको अपने हृदयंगम करने पड़ते हैं, अपने जीवन में उतारने पड़ते हैं, तभी वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कहलाएगा। अगर उसने ये गुण अपने में नहीं लिए तो फिर कलो शूद्र संभवा, सारे हमारे शास्त्र में बोला है कलयुग में सब शूद्र हैं, सब शूद्र हैं कलयुग में, और विशेष रूप से जो जॉब करते हैं कितनी बड़ी जॉब करें वो शूद्र हैं बेसिकली। इसलिए इस कौन में एक दो सन्यासी ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा ही नहीं देते हैं, बोले शूद्र को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे दे तो चाहे कितना ही आप बोलो हम तो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप ग्लोरीफाइड शूद्र हो, लेकिन हो शूद्र। शूद्र का मतलब है परिचर्या नाम, जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य है, जो रक्षा कर रहा है राज्य कर रहा है वो क्षत्रिय है, और जो यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये 6 कार्यों में लगा हुआ है वो ब्राह्मण है, जो शास्त्रों को पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, जो यज्ञ कर रहा है करवा रहा है, जो दान दे रहा है और दान स्वीकार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ दान ले ही सकते हैं दे नहीं सकते, वन वे ट्रैफिक नहीं है, दान देना भी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याजम मनीषिणा, कि जो बहुत जो समझदार जो बहुत महान व्यक्ति हैं उनको भी दान देना यज्ञ करना ऐसे नहीं कि वर्जित हो गया उनके लिए, उनके लिए जरूरी नहीं है, करना पड़ेगा, उनको भी करना चाहिए, कर्तव्य है उनके लिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा चतुर्वर्णया मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मैंने बनाए हैं जाति के आधार पर नहीं, ये मैंने बनाए हैं गुण और कर्मों के आधार पर। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए ये दिखाने के लिए कि कैसे जीवों का उद्धार करना है, उसका ज्वलंत उदाहरण जो है जगाई और मधाई है, कि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो उनका जन्म तो हो गया था उनका, लेकिन ब्रह्म बंधु थे। ब्रह्म बंधु का मतलब है गुण नहीं है, जाति से ब्राह्मण है। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, चोरी डकैती लड़ाई झगड़े, मतलब कुछ भी करेंगे हमेशा 24 घंटे आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ चाहिए उनको, अगर कोई नहीं मिलता था लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे। वो जो पुलिस वाले हैं जो सैनिक थे वो भी उनसे दिमाग नहीं लगाते थे, आज भी ऐसा ही होता है। ये जितने नशेड़ी वशेड़ी होते हैं ना, वो स्मैकी टाइप जो होते हैं, अगर आपको कोई परेशान करे बाई चांस, आपकी जेब काट ली, आपका मोबाइल छीन के भाग गए, आपने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया आपने, दम था आपने पकड़ लिया, आपने 2-3 थप्पड़ मार दिए पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए, तो जो थानेदार है उसको धमकाएगा और आपको धन्यवाद दे के आपको रवाना कर देगा, 5 मिनट बाद उसको भी भगा देते हैं कि भाग भाई तू भी यहाँ से। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने बोला यार आप मतलब वो ये असामाजिक तत्व है, आप कैसे भगा रहे हो उसको, इसको जेल में बंद करके रखो। बोल रहा है कोई सुधरने थोड़ा ही है, इसको जेल में बंद करेंगे इसको सुबह शाम दोपहर को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर अगर ये बीमार हो गया उल्टी कर दी इसको दवाइयाँ खिलाते रहो, इससे अच्छा भगाओ इसको, सड़क पे अपने आप मर जाएगा वो ठीक है, हमारे
ताकत नहीं है हम किसकी देखभाल करें, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। ऐसे उस टाइम में भी जगाई मदाई ऐसे थे कि सैनिक भी कहते थे भाई इनके माथे नहीं लगेंगे, हम दूर से चलेंगे इनके साथ में, इतने खराब थे। ये तो धरती की बात हो गई, ये तो धरती की बात हो गई, ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर देखते हैं, संयमपुरी में जाते हैं। संयमपुरी वहां पे कौन रहता है? संयमपुरी में कौन रहता है? भगवान कृष्ण। ओ भगवान कृष्ण तो कण कण में है, यमराज रहते हैं, यमराज रहते हैं वहां पर। यमपुरी है ना, यमपुरी का एक नाम संयमपुरी है, आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो संयमपुरी में यमराज जी हैं, और यमराज जी के अकाउंटेंट कौन है? चित्रगुप्त। सुना है चित्रगुप्त का नाम? चित्रगुप्त की कमर टूट गई। कमर क्यों टूट गई उनकी, चित्रगुप्त की, कि जगाई मधाई के पाप लिखते लिखते थक गए, कागजों के पूरे डायरियां की डायरियां भर गई उनकी, पेनों में शाइयां खत्म हो गई उनकी। वो जो पेन आया था ना 10 किलोमीटर चलने वाला, वो ऐसे कई पेन खत्म हो गए उनकी, उनके पाप लिखते लिखते जगाई मधाई के। परेशान थे, क्या करें, कैसे, घर भी नहीं जा सकता मैं, क्योंकि जितनी देर में मैं घर जाने के बारे में सोचता हूँ ये 20 पाप और कर देते हैं, क्या करूँ। तो यमराज परेशान, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त परेशान, थक गए, दुखी हो गए। और उसी समय नवदीप में, जहाँ पर ये सब चल रहा था, नवदीप में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया, जिनका आज जन्मदिन है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को जाकर आप बोलो कि वो कृष्ण का नाम ले, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़े, उसको अपने जीवन में उतारें, कृष्ण का भजन करें, कृष्ण की सेवा करें। और नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने भेजा हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों जा रहे थे और घर घर जाकर सब लोगों को बोल रहे थे कि आप प्लीज कृष्ण का नाम लो, प्लीज आप गौरांग का नाम लो। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे कि आमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि, कि किनिया लो, मुझे खरीद लो, आमारे मुझे किनिया लो, मुझे खरीद लो, बोलो गौर हरि, एक बार जोर से बोल दो गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने के लिए सबको बोल रहे थे, कृष्ण का नाम लेने के लिए बोल रहे थे, और बोल रहे थे भाई मैं आपका नौकर बन के, आपका दास बन के रहने के लिए तैयार हूँ, एक कीमत दे दो, क्या चाहिए, क्या कीमत है तुम्हारी, तुम देखने में तो सुडोलो, मेरी कीमत है कि आप एक बार बोल दो गौरांग। तो लोगों के नित्यानंद प्रभु पैर पकड़ लेते थे, पैरों में गिर जाते थे और पैर पकड़ के बोलते थे एक बार बोलो गौरांगा, एक बार बोलो कृष्णा, ऐसे करके प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार फैल भी रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक दिन देखा ये जगाई मधाई को ये आपस में झगड़ते हुए आ रहे थे, आपस में झगड़ते हुए आ रहे थे। तो जब वो आए, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर हमने इन प्रसिद्ध पापियों का, जगाई मधाई का अगर उद्धार कर दिया, अगर हमने इनका उद्धार कर दिया, तो फिर तो पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु की कृपा फैल जाएगी, पूरे संसार के अंदर चैतन्य महाप्रभु की जो दया है उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी कि जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। जैसे जैसे नारद जी ने मृगारी व्याध का उद्धार कर दिया था, आधा मार के छोड़ रहा था जानवरों को, नारद जी गए क्योंकि प्रचारक हैं, नारद जी गए और नारद जी ने उसको बताया कि क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, क्यों हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब बताया तो मान गया वो और परम वैष्णव बन गया, और इतना बड़ा वैष्णव बन गया कि अब चलता भी सीधा नहीं था, कूद कूद कर चलता था। तो एक बार नारद जी आए काफ़ी समय के बाद, तो नारद जी को देख के उसने प्रणाम किया और कूद कूद के जा रहा था। तो नारद जी ने बोला भाई सीधा क्यों नहीं चलता, कूद क्यों रहे? तो उसने बोला चींटियां हैं,
मेरे मुझे डर है कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आके उसकी हत्या ना हो जाए मेरे हाथ से। तो कहाँ पशु पक्षियों को आधा मार के छोड़ रहा था और कहाँ इतना द्रवित हो गया उसका हृदय कि चींटियों का भी ध्यान रख रहा है। ये वैष्णवों की दया होती है, ये वैष्णवों की दया होती है। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा क्यों ना इसका उद्धार करें इन दोनों का। अगर इनका उद्धार हो गया महाप्रभु की दया से, ये नहीं सोच रहे कि मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं करता हूं, नहीं, महाप्रभु की दया से, चैतन्य महाप्रभु की दया से अगर इनका उद्धार हो गया तो महाप्रभु का यश चारों ओर फैलेगा। तो यह सोचकर नित्यानंद प्रभु उनके पास गए। हरिदास ठाकुर ने बोला मत जाओ, तुम खुद भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। दिमाग से काम ले रहे थे हरिदास ठाकुर। उन्होंने कहा क्यों खतरा मोल ले रहे हो। नित्यानंद प्रभु प्रेमे मत, नित्यानंद प्रेम में मत रहते हैं, जो भी सामने आ गया उसका उद्धार करते हैं। ये आ गए पड़े सही करें निस्तार, जो नित्यानंद प्रभु के सामने एक बार नतमस्तक हो जाएगा उसका उद्धार कर देंगे। तुम पात्रो कुपात्रो सोचेंगे नहीं। जैसे हम अभी अभिषेक कर रहे थे तो कुछ भक्त आए, उन्होंने बोला हम अभिषेक करना है, तो मैं पूछा था आप जप करते हो, नहीं करते। नित्यानंद प्रभु नहीं पूछते, नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो सामने आ गया मेरे, जिसने नतमस्तक हो गया उसका उद्धार करके ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे उल्टा क्यों ना लटकना पड़े। नित्यानंद प्रभु ऐसा सोचते हैं। प्रेम में मत, क्योंकि प्रेम में उन्मत्त है, अपने बारे में क्या क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन पूछना था प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, बड़े ध्यान से याद रखना, बाद में पूछ लेना। ठीक है, भूलना मत आप, दो तीन के कान में बता दो, कई बार भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। हाँ समझ गया मैं। चलो सो उनके पास गए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने बोला अरे भाइयों आप लोग प्लीज कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और उन्होंने कहा भाई कहाँ से आ गया तू, मारो इनको। उनके पीछे मारे, मारने के लिए दौड़े, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। और शाम को चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने रिपोर्ट दी, अपनी प्रीचिंग की रिपोर्ट देते थे कि हमने आज ये किया, यहाँ पे गए प्रचार के लिए, ये किया वो किया। और जब गए और उन्होंने बताया जगाई और मधाई, और नित्यानंद प्रभु ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि अगर आप इन पे दया कर दें तो इन जगाई मधाई का भी उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को क्योंकि तुमने सोच लिया है, क्योंकि तुमने इनके उद्धार के बारे में सोच लिया है, इनका उद्धार होगा नहीं, इनका उद्धार होगा नहीं, हो चुका है। अगले दिन वापस पहुंच गए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और वापस उनको बोला जगाई मधाई को प्लीज आप भगवान का नाम लो, प्लीज आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो, प्लीज हरि का नाम लो। मधाई को गुस्सा आ गया, अब मधाई ने वहाँ पे पास मटका पड़ा हुआ था, अब नशे में धुत थे, मटका उठाया और नित्यानंद प्रभु के सिर पे मारा जोर से, धड़ से सिर फट गया, खून की धाराएं बहनी शुरू हो गई। जगाई ने रोका मधाई को, मत मारो मत मारो, पहले इतना खून निकल रहा है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। हरिदास ठाकुर भागे वहां से चैतन्य महाप्रभु को सूचना देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु आ गए फौरन वहां पर। और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, चैतन्य महाप्रभु के किसी भी भक्त पर अगर कोई प्रहार करते चैतन्य महाप्रभु बर्दाश्त नहीं करते, दिमाग खराब हो जाता है उनका, फिर नहीं सोचते वो दाएं बाएं, कितने दया दयालु अवतार हैं फिर नहीं सोचते वो। आप देख लो ध्रुव महाराज का जब सुरुचि ने, जो सौतेली माँ थी, जब उनका अपमान किया था, ध्रुव महाराज वैष्णव नहीं थे लेकिन अपमान कर दिया, नहीं बैठ सकता तू अपने पिता की गोदी में, और ध्रुव महाराज बाद में वैष्णव बन गए, नारद जी की दया हो गई उन पे, वैष्णव बन गए। सुरुचि और उसके पुत्र को, उसका खमियाजा उत्तम था पुत्र का नाम, उत्तम को खमियाजा भुगतना पड़ा उनको। उत्तम जो है यक्षों ने मार दिया,
उत्तम को, और सुरुचि है जंगल में आग में जल के मर गए, भगवान नहीं बख्शते। द्रौपदी है, द्रौपदी का अपमान हो गया, भगवान ने पूरा वंश खत्म कर दिया कौरवों का। तुमने कैसी, तुम्हारी जुर्रत हो गई भाई, तुमने मेरे भक्त का अपमान कर दिया, कैसे तुम्हारी हिम्मत है। भगवान नहीं बख्शते, फिर भगवान फिर इधर उधर नहीं देखते, भगवान भूल जाते हैं कि क्या करने आए थे। चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और चैतन्य महाप्रभु बोला चक्र चक्र, और सुदर्शन चक्र आ गया। जगाई मधाई ने देखा सुदर्शन चक्र, भगवान के हाथ पे शुभायमान था और करोड़ों सूर्यों का उसमें से तेज निकल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही चक्र छोड़ना चाहा, चक्र गया नहीं हाथ से। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ये चक्र गया, जा क्यों नहीं रहा मारने के लिए, नीचे देखा तो नीचे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, प्लीज आप दया दयालु अवतार हो, आप असुरों का वध नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में अगर आप असुरों का वध करने शुरू हो जाओगे तो सभी को मारना पड़ेगा, सारे असुर हैं, सभी लोग असुर हैं, आप असुरों का वध नहीं कर सकते। आपने प्रॉमिस किया है, आपने व्रत लिया है, आप लोगों के असुरों के हृदय परिवर्तन करने के लिए आए हो, आप उनके हृदय में कृष्ण भक्ति, निज भक्तियों का अपनी भक्ति संचारित करने के लिए आए हो, आप अपने इस मिशन से, इस संकल्प से आप विचलित नहीं हो सकते, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। और ये जो जगाई है, ये जगाई तो मेरा मददगार है, खून निकल रहा है, सारे भीग गए पूरे अपने ही खून से, और उनको बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु उनको बोल रहे हैं, जो जगाई है ये तो मेरा हितैषी है, ये जो जगाई है इसने तो मेरी रक्षा की है, अच्छा तुम्हारी रक्षा की है, इसको दया दूंगा। उसको गले से लगा लिया, जगाई को गले से लगा दिया, बिल्कुल स्वरूप बदल गया जगाई का। जब मधाई ने देखा, मधाई ने कहा मुझे भी दया दो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुझे दया नहीं दूंगा कभी भी, तूने, मैं अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करता, तूने मेरे प्राण पे आघात कर दिया, मुझे मार देता ना मैं झेल लेता, तूने मेरे प्राणों से प्रिय नित्यानंद पे कैसे तूने हाथ उठा दिया, तूने, तुझे तो कभी मैं दया नहीं दिखाऊंगा तेरे ऊपर कभी भी। अब मधाई के मन में भगवान ने संचारित कर दी बुद्धि, और जब मधाई है वो दौड़कर नित्यानंद प्रभु के चरणों में लिपट गया और उनको बोला मुझे माफ करो। नित्यानंद प्रभु ने कहा तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुमने क्या किया है, तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो। और उसका हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास ले गए और उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु आप प्लीज आप इस पे भी दया कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम गले लगाओ इसको, मधाई को तुम गले से लगा लो तो इसका उद्धार हो जाएगा। और नित्यानंद प्रभु ने गले से लगा लिया। जैसे ही जगाई और मधाई पर दया की नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने, उनके सारे पाप जो हैं, सारे पाप उनके शरीर से निकलकर चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रवेश कर गए। जब चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश कर गए, चैतन्य महाप्रभु गौरांग से घनश्याम हो गए, बिल्कुल कृष्ण वर्ण के हो गए चैतन्य महाप्रभु। सारे वैष्णव उनको देख रहे हैं और सारे वैष्णव उनको देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णवों को बोला सब जोर से कीर्तन करो, तो सारे वैष्णवों ने जोर से मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे कीर्तन करते चले गए वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु का रंग जो है वो वापस गोरा होना शुरू हो गया। और जब सारे चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः अपने गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में आ गए तो सारे वैष्णवों ने पूछा कि आपके जो शरीर है, आपका आपका जो वर्ण है, आपका रंग बदल कैसे गया था और वापस कैसे बदल गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगाई मदाई के जितने भी पाप हैं वो मैंने स्वीकार कर लिए थे, इसलिए मेरा रंग बदल गया था, और हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के कारण उसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए। कहाँ गए,
वो सारे पाप कहाँ गए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो पाप यही घूम रहे हैं, यहीं पर है सारे पाप घूम रहे हैं। अगर कोई वैष्णव की निंदा करेगा तो ये सारे पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, कभी भी वैष्णव की जो जो कृष्ण नाम हरि नाम की महिमा का प्रचार करने में लगे हैं, कभी भी ऐसे वैष्णव की निंदा मत करना। अगर निंदा करोगे तो जगाई मधाई के सारे पाप स्वीकार करने पड़ेंगे। ये तो पृथ्वी लोक की बात है, ये पृथ्वी लोक की बात है। फिर वापस ऊपर चलते हैं, कहां पर? संयमपुरी में। संयमपुरी में वापस चलते हैं, यमराज के वहां क्या हो रहा था, यमराज के वहां क्या हो रहा था? अचानक चित्रगुप्त लिखे जा रहा था अकाउंट जगाई मधाई का, अचानक उसने देखा पूरा भई खाता एकदम सफाचट हो गया, खाली हो गया एकदम। उसने बोला ये क्या हो गया? उसने सारे पन्ने पलटे, किसी पन्ने पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अरे सारे पाप कर्म कहाँ गए? तो नीचे देखा, नीचे उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने दया कर दिया है जगाई मधाई पर। फौरन जाके यमराज जी को बताया। जैसे यमराज जी ने देखा कि ऐसी दया की है, चैतन्य महाप्रभु का विलक्षण प्रभाव देखकर यमराज जी बेसुत होकर और जोर जोर से संयमपुरी में जोर जोर से नाचने लगे और चैतन्य महाप्रभु की जय बोलने लगे और जोर जोर से कह रहे थे गौरांगा गौरांगा गौरांगा। बोलते बोलते जमीन पर गिर गए, सारे उनका जो शरीर है वपु उनका धूल से दूषित हो गया और बेसुध होकर एकदम आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। जब शिव जी ब्रह्मा जी ने भगवान के इस चमत्कार को देखा, इस दया को भगवान ने ऊपर भगवान की इस दया को देखा शिव जी ब्रह्मा जी ने, वो भी एकदम भाव विभोर होकर सभी देवी देवता आकाश में नाचना शुरू कर दिया। वापस नीचे आते हैं, वापस वहीं आते हैं जहां पर एक घटना चल रही थी। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और नित्यानंद प्रभु के साथ में चैतन्य महाप्रभु ने बोला जगाई मधाई को, देखो तुम्हारे सारे पाप मैंने ले तो लिए, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि दोबारा पाप मत करना। इसका मतलब ये है कि अगर हम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की शरण लें, और जैसे ही शरण लेंगे, हम शरण कैसे ले सकते हैं? हम शरण ले सकते हैं गुरु से दीक्षा, गुरु की शरण लेने के माध्यम से। ये काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले शिक्ष करे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जैसे भगवान खुद, भगवान में कोई पाप नहीं है, भगवान पूर्णतः शुद्ध है, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त। जैसे भगवान नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त है, वैसे ही दीक्षा के समय जब एक शिष्य गुरु की शरण लेता है, भगवान उसको आत्मसम अपने जैसा ही नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त बना देते हैं, वैसा ही बना देते हैं जैसे वो खुद हैं। जैसे आग में हम लोहे की छड़ी डालेंगे तो वो लोहे की छड़ी नहीं रहती, आग के गुण ले लेती है। जब हम आग में लोहे की छड़ को रखते हैं, जब बाहर निकालेंगे, अब वो लोहे की छड़ का काम नहीं कर रही, अब वो आग का काम कर रही है। जिस चीज़ को छुएगी, जो आग के छूने से जो कार्य होगा, जो प्रभाव होगा, जो परिणाम होगा, वही उस छड़ी के छूने से भी वही प्रभाव होगा। अकिंचन है। मैं वेट कर रहा हूँ, आएगा सबको दिखाऊंगा, सब घूम के देख रहा हूँ अकिंचन को। तो चैतन्य महाप्रभु ने, तो हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ले सकते हैं गुरु की शरण लेने के माध्यम से। लेकिन शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि हमने जो भी पूर्व जन्मों में किया किया, इस जन्म में हम अभी तक जो कर चुके कर चुके, लेकिन अब हम जब गुरु की शरण लें, जब हम भक्ति में जुड़े, तो हमें पहले सोच लेना चाहिए। हाँ, तो आप उनको यहाँ पे लाइए और भोग लगाइए। ओके, भोग लगाने के बाद फिर हम लेक्चर ख़त्म कर देंगे और फिर जो है भगवान की आरती और
पुष्प अभिषेक कर देंगे फिर हम। ओके ये टेबल कैसे So, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मधाई को बोला ये बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हम लोग अगर आध्यात्मिकता में जुड़ते हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, तो हमें ये पहले सोच लेना चाहिए कि हमने अभी तक जो गलती की है हम दोबारा उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए हस्ती स्नान की तरह, जैसे एक हाथी नदी में जाता है स्नान करने के लिए और खूब घंटों स्नान करता है और बाहर निकलकर अपने ऊपर धूल डाल लेता है और धूल डाल लेता है अपने शरीर को सुखाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो कि हम कृष्ण भक्ति में जुड़े, हमारे सारे पाप खत्म हो जाए और हम वापस बाहर निकल के अपने ऊपर धूल डाल लें, हम वापस पाप कर्म में लिप्त हो जाएं। ऐसा करना अच्छा नहीं है, ऐसा करना समझदारी का काम नहीं है। तो अगर हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें ये पहले प्रण कर लेना चाहिए कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे से हम नहीं करेंगे। और जगाई मधाई ने करके दिखाया, जगाई मधाई ने करके दिखाया, जगाई मधाई ने श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो हमेशा पहले नित्यानंद प्रभु आते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण के आने से पहले बलराम जी आते हैं और बलराम जी आके पहले इंस्पेक्शन करते हैं कि सब ओके रिपोर्ट है कि नहीं है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। सब ठीक होता है तभी, सब ठीक होने पर ही जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, बलराम जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि अब आप प्लीज़ आइए, अब आपके आने के लिए जो उचित वातावरण और उचित जो है स्थिति तैयार हो गई है। तो इसलिए पहले हमेशा नित्यानंद प्रभु आएंगे, पहले हमेशा बलराम जी आएंगे, फिर भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु आते हैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए। शिशि गौर निताय की। तो जैसे स्नान के बाद इमीजिएटली बहुत भूख लगती है, नहीं ऐसे ही अभी भगवान ने स्नान किया, भगवान को बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो अभी भगवान फौरन भगवान भोग लगाएंगे। भगवान जो है जो भी स्वादिष्ट भोजन आप लोग बना के लाए हो वो भगवान उसका आस्वादन करेंगे, आपके भावों का भगवान आस्वादन करेंगे और भगवान आपको अपनी कृपा उस आस्वादन के माध्यम से भगवान प्रदान करेंगे और फिर अभिषेक, फिर हम भगवान का पुष्प अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद भगवान ने जिस प्रसाद का आस्वादन किया, जो भगवान भगवान की जूठन हो गई, अब जब भगवान का उचिष्ट हो गया, फिर हम सब मिलकर बहुत ही खुशी से हम सब मिलकर उसका आस्वादन करेंगे। और जब हम उसका आस्वादन करेंगे, क्योंकि कृष्ण प्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो जब हम उसका आस्वादन करेंगे कृष्ण प्रसाद का, तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी। और जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी तो उस शुद्ध इंद्रियों और मन के साथ ऋषि केण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, फिर हम अपनी उस शुद्ध इंद्रियों और मन को ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं उनकी सेवा में हम लोग नियोजित कर देंगे। तो अगर ये जगाई मधाई पे कृपा किसने की, जगाई मधाई पे कृपा की चैतन्य महाप्रभु ने ऑफ कोर्स, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसी पर होती है जिस पर नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि होती है। चैतन्य महाप्रभु वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई कब नित्यानंद प्रभु की शरण लेगा, और नित्यानंद प्रभु क्योंकि बलराम है, बल देने वाले हैं,
तो भगवान की सेवा में अगर हम लगना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बल है भगवान की सेवा करने का, वो बल भी हमें बलराम जी या नित्यानंद प्रभु से ही मिलेगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है। और नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु हैं। जितने भी हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी आचार्य जितने भी गुरु हैं, वो सब श्री नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो हम नित्यानंद प्रभु की शरण ले सकते हैं गुरु की शरण लेने के माध्यम से। हम आपको एक बात बताते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की। आज हम दोपहर को भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। और रघुनाथ दास गोस्वामी शुरू से ही पूरी तरह विरक्त थे अपने घर से, और बार बार घर छोड़ के भाग रहे थे वो। ये क्या यार, छोड़ो यार, वीडियो गेम खेलने में लगे हो आप दोनों, छोड़ दो यार उसको। ओके आजकल माँ बाप की भी बात नहीं मानते बच्चे। अभी पीछे मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक पिता ने अपने बच्चे को डांट डपट के उससे मोबाइल फ़ोन छीन लिया, वीडियो गेम खेल रहा था वो पबजी वो लटक गया, वो मर गया। अरे आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर भाई, जिन्होंने अपना खून से सींचा तुम्हें, एक सेकंड में तुम एक वो घटिया वीडियो गेम के पीछे तुमने अपनी जान खत्म कर ली। इस संसार में करोड़ों सुख है भोगने के लिए, वीडियो गेम के अंदर फंस के रह गए तुम बिल्कुल कई बार तो बड़ा डर लगता है किसी को बोलते समय कि भाई वीडियो गेम मत खेल, पता नहीं कितना बुरा मान जाएगा, कुछ समझ नहीं आती। सो जो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही विरक्त थे, और कई बार घर से भागे थे, वो कई बार घर से भागे थे भगवान कृष्ण की शरण लेने के लिए, और दो तीन दफा वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु से मिले। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु को, प्लीज आप मुझे इस घर रूपी अंधे कुएं से निकालिए। चैतन्य महाप्रभु का रुको रुको अभी रुको, तुम अभी वहीं पर आप बने रहो, अभी अभी घर में ही रहो, होगी तुम पे दया होगी, घबराओ मत। दो तीन बार ऐसे हो गया तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं पानीहाटी राघव पंडित के घर पे, और वहां पर वो 3 महीने रहे थे। नित्यानंद प्रभु पुरी से आ रहे थे, बंगाल की ओर जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप जाओ और बंगाल में प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ से आए पुरी से, और बंगाल जाते समय वहाँ पर पानीहाटी में रुके राघव पंडित के यहाँ पर, और 3 महीने उन्होंने अपनी कृपा वृष्टि वहाँ पर की। तो आज त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु जो है त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे। वराहदेव जो है द्वादशी के दिन प्रकट हुए थे। तो आप ये पूछ सकते हो कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इन तिथियों में कि भगवान प्रकट हुए। कोई खास बात नहीं है, भगवान कृपा कर देते हैं तिथियों के ऊपर, भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान कृष्ण आए अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि पर उसको कृतार्थ करने के लिए। भगवान आए द्वादशी के दिन वराह भगवान, द्वादशी तिथि पर उनको कृतार्थ करने के लिए। भगवान आए त्रयोदशी के दिन, क्यों आए त्रयोदशी तिथि को कृतार्थ करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु आए पानीहाटी में, वहाँ के भक्तों को वहाँ के लोगों को कृतार्थ करने के लिए, उनको दया देने के लिए वहाँ पर आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर आकर उनसे मिले,
नित्यानंद प्रभु से, नित्यानंद प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने सारे पार्षदों के साथ, तो रघुनाथ दास को स्वामी ने दूर से ही उनको प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला इधर आओ, तुम दूर से छुप के मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो, इधर आओ। और जब रघुनाथ दास स्वामी उनके पास आए और पास आके प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रख दिए और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम तो चोर हो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला हाँ मैं चोर, क्यों चोर हो, क्योंकि तुम नित्यानंद प्रभु के शरण लिए बिना सीधे चैतन्य महाप्रभु जाने की कोशिश कर रहे हो, ये चोरी है। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य जब रघुनाथ दास गोस्वामी पर दया की और नित्यानंद प्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को तुमने चोरी की है, मेरे पास आए बिना तुमने वहां जाने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला क्या बताइए, मैं इस क्या दंड, मैं हर दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि यहाँ पर जितने भी वैष्णव मौजूद हैं उन सबको तुम दही चिड़वा उनको खिलाने का प्रबंध करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फौरन उसी समय खड़े हाथ, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, उन सबके लिए दही चिड़वे का प्रबंध किया। धीरे धीरे बात चारों ओर फैल गई, चारों ओर ये बात फैल गई कि रघुनाथ दास जो है वो दही चिड़वे का आयोजन कर रहे हैं, उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। हजारों लोग पहले मौजूद थे, लाखों लोग और आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने और सामान मंगाया, दही चिड़वा, शहद, चीनी, दूध इत्यादि, उन्होंने अनेक सामग्रियां मंगाई और उन सबको मिक्स करके सब लोगों को उन्होंने वितरित किया अपने हाथ से। नित्यानंद प्रभु टहल के देख रहे थे कि किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, हर व्यक्ति को मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे खुद ग्रहण करने के लिए दही चिड़वे को, और उसको ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को कि तुम्हें अचिरात, अचिरात मतलब चिरकाल होता है बहुत समय, अचिरात का मतलब बहुत ही जल्दी। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को तुम्हें बहुत ही जल्दी तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की दया मिलेगी, तुम्हें उनकी कृपा मिलेगी, तुम इस भौतिक संसार से तुम्हारा मोचन हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वही हुआ, वही हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी अनेक बार प्रयास कर चुके थे, अपने घर से निकलकर पूरी जाने के, पूरी जाकर वहां पर रहने के लिए, लेकिन इस बार जब वो वहाँ से निकले तो उनको सफलता प्राप्त हुई और रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में पहुँचे और उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सुपुर्द किया स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे, बहुत ही करीबी भक्त थे, और उन्होंने सारे उनके देखभाल का जिम्मा जो है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंपा। तो जैसे जगाई मधाई को दया मिली चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को दया मिली चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, ऐसे हमें भी चैतन्य महाप्रभु की दया मिलेगी नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। इसलिए हर रोज 365 दिन और आज विशेष रूप से हमें नित्यानंद प्रभु से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें दया करें हम पर और हमारे हृदय में इतनी श्रद्धा विकसित कर दें, श्रद्धा जागृत कर दें कि हम पूर्णतः शुद्ध भाव से हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ले पाए। जब तक भोग लग रहा है आपको नित्यानंद प्रभु के एक दो आपको लीलाएं और बता देता हूँ। नित्यानंद प्रभु 22 वर्ष तक भारत में तीर्थ यात्रा करते रहे और हर जगह जाकर वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, उनको किसी भी तीर्थ में कृष्ण नहीं मिले उनको। और फिर 22 वर्षों के बाद किसी ने उनको बोला कि कृष्ण तो अवतीर्ण हो चुके हैं,
नवदीप में, वहां जाओ, वहां तुम्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। और नित्यानंद प्रभु तुरंत वहां से चल दिए और नित्यानंद प्रभु आए नवदीप मायापुर धाम और वहां आकर चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ठहराया था शिवास ठाकुर के घर। शिवास ठाकुर नारद जी हैं। नारद जी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उनको भगवान के लीला में भाग लेने का अवसर मिला। हमें भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। जैसे नारद जी को भाग मिला, नारद जी बेसिकली एक दासी के पुत्र थे और घरों में काम करती थी उनकी माता, बर्तन वर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी। एक दिन जिस घर में काम करती थी वहाँ पर कुछ वैष्णव आए और नारद जी एक दासी पुत्र के रूप में नारद जी ने सेवा की उन वैष्णव की। उस सेवा के फल से जब नारद जी ने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उनका नारद जी के रूप में हुआ। और नारद जी की एक खासियत है कि नारद जी तीनों लोकों में, ऊपर नीचे बीच में और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में निर्बाध बिना किसी रुकावट के नारद जी यात्रा कर सकते हैं। तो नारद जी ने भाग लिया चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवास ठाकुर के रूप में और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुपुर्द किया नित्यानंद प्रभु को कि शिवास ठाकुर को कि आप इनका ध्यान रखिए। और वो ध्यान रख रहे थे वत्सल्य भाव में शिवास ठाकुर और मालिनी देवी उनका ध्यान रख रहे थे। एक बार मालिनी देवी जो है वो शिवास ठाकुर की जो पूजा की सामग्री है उसको धो के उसको सुखा रही थी तो एक कौवा आया और उनका आचमन पात्र उठा के ले गया। और मालिनी देवी को बहुत दुख हुआ आचमन पात्र के जाने का। उन्होंने सोचा कि अब जो है शिवास ठाकुर के जो पूजा करने में विघ्न आएगा और अवश्य वो मुझ पर क्रोध करेंगे। तो बहुत दुखी हो रही थी तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु ने बोला आप क्यों दुखी हो रहे? तो मालिनी देवी ने बताया कि एक कौवा जो है वो पात्र को लेके जा चुका है। तो नित्यानंद प्रभु ने जोर से आवाज लगाई कौवे को कि ये पात्र वापस दे के जाओ। वो कौवा वापस आया और पात्र को वापस मालिनी देवी को सुपुर्द कर दिया। मालिनी देवी ने बोला इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके डर से सूर्य अपने धुरी पर घूम रहा है, चंद्रमा वायु इत्यादि जितने भी देवी देव हैं वो आपके भय से काम कर रहे हैं। अगर आपने एक कौवे से एक अदने से पक्षी से आपने पात्र वापस मंगा लिया तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये भी भगवान की एक ग्लोरिफिकेशन है। भोग लग चुका है, अब हम सब भगवान की आरती करते हैं। आप सब मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा। श्रील प्रभुपाद की जय।